राजधानी रायपुर के सेंट जेवियर स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रा को थाने में बिठाने और उसे स्कूल से भगाने का आरोप झेल रही सेंट जेवियर स्कूल ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि जिस छात्रा को लेकर विवाद शुरू हुआ है उसके पिता लगातार स्कूल के प्रिंसिपल से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि छात्रा के पिता एक दिन स्कूल में आए थे और नोटों गड्डी फेंकते हुए गाली गलौज कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि अगस्त 2016 से आज वर्तमान तक पीड़ित छात्रा के पिता ने अपने दोनों बच्चों का फीस जमा नहीं किया है। प्रबंधन का आरोप है कि उन्हें कई बार पत्र भेजकर फीस के लिए अवगत भी कराया गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रबंधन की माने तो छात्रा को सही सलामत घर भेजने के लिए थाने में भेजा गया था। सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो जिला शिक्षा अधिकारी ने भी साफ कर दिया था कि पालक स्कूल की फीस जमा करें। अभी बताया गया आपको कि उस बच्ची को उसका पालक आया और गेट में छोड़ के चला गया विदाउट इन्फॉर्मेशन, अंदर स्कूल को नहीं बताया, वो चला गया। जाने के बाद वो बच्ची अंदर आ गई। अब अंदर आ गई उसको पहले से इन्फॉर्मेशन था कि आप अपने बच्ची को स्कूल मत भेजिए जब तक आप फीस अदा नहीं करती। अब वो बच्ची अंदर आ गई, वो बोली मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर ये भय लगा कि कहीं कुछ इधर उधर न हो जाए या और कोई ब्लेम न लग जाए। तो उस बच्ची को एक टीचर के साथ और दो टीचर्स के साथ और थाने में भेजा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको इनके घर में भेजवा दीजिए क्योंकि उसके घर की जानकारी हमको मालूम नहीं है, सही पता भी नहीं है उसमें। पालकों द्वारा दुर्व्यवहार का भी आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का दुर्व्यवहार बता सकते हैं? अब पालकों द्वारा नहीं, पालक द्वारा या संघ पालक संघ भी आ रहे हैं परेशान कर वो रहे एक दो दिन है। हाँ, आया है और वो लोग विभिन्न प्रकार से जैसे इन्होंने बताया कि अभद्र व्यवहार करना एक महिला के साथ, जबरदस्ती किसी के केबिन में घुस करके और धमकाना चमकाना या पैसे को फेंक देना, फीस आप दीजिए पैसे को मत फेंके। अब अकेले महिला प्रिंसिपल बैठी हुई है, वो भी भयभीत हो जाती है कि पता नहीं इनके साथ क्या हो। और वो बाद में इधर कुछ लोगों को जो पालक संघ तथा कथित पालक संघ है उनको ले कर आता था। तो इस तरीके से गाली गलौज भी, अभद्र भाषा करना, अभद्र भाषा में बातचीत करना, भयभीत करना, ये एक तकलीफ की बात तो होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर।